भारत गांव का देश है, गांव ही भारत की पहचान है। सरलता, सहजता और मासूमियत ग्रामीणों के रग रग में समाहित है और यही ग्रामीण परिदृश्य को और भी मनोरम बनाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे झारखंड का ग्राम्य जीवन प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हुए काव्यात्मक नृत्य प्रस्तुत कर रहा हो। मिट्टी की सौंधी सुगंध से सुगंधित यहाँ की हवा पूरे ग्रामीण परिदृश्य को सराबोर करती प्रतीत होती है। गांव वास्तव में एक ऐसी जगह है जहाँ अपनत्व एवं बंधुत्व की भावना सर्वोपरि होती है। गांव की खूबसूरती उसकी सीधी सादी जिंदगी और कोने कोने में बसी प्राकृतिक सुंदरता में है। नमस्कार जोहार, मैं हूँ श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में। आज हम आपको लेकर आ गए हैं दुमका के सुंदरा फलान गांव। बिल्कुल अपनी नाम की तरह यह गांव सुंदर तो है ही, पर सुंदर होने के साथ साथ यह गांव उन्नति की एक राह पर भी निकल चुका है। तो आइए हमारे साथ चलते हैं इस गांव की यात्रा पर। गांव यात्रा के लिए आज हम यात्रा करेंगे झारखंड के उप राजधानी के गौरव से गौरवान्वित होने वाले दुमका जिला के सुंदरा फलन गांव की। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत अवस्थित यह गांव सतत विकास का जीता जागता मिसाल है। कुछ वर्ष पहले तक इस गांव में गरीबी, सिंचाई का अभाव, कुपोषण और पलायन की समस्या व्यापक रूप से व्याप्त थी, लेकिन ग्रामीणों की एकजुटता, विशेषकर महिला समूहों की जीवटता तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग और समर्थन से जन कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करके यह गांव आज आसपास के गांव के लिए सफलता का प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा है। दुमका जिला को संथाल आदिवासियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ के रीति रिवाज, पर्व त्योहार, परंपराएं एवं रहन सहन झारखंड राज्य को गौरवान्वित करते हैं। प्रकृति पूजक होने के नाते स्वच्छता से इनका जुड़ाव स्वाभाविक है। गांव में सड़क के दोनों तरफ निर्मित इनके घर समृद्ध गृह निर्माण कौशल को प्रदर्शित करते हैं। झारखंड के अन्य गांवों की तरह सुंदरा फलन गांव के ग्रामीणों की आजीविका कृषि पर ही आश्रित रही है। वर्षा आधारित खेती करना इनकी विवशता थी, क्योंकि इनके पास सिंचाई का ना तो कोई अन्य विकल्प मौजूद था और न ही आर्थिक रूप से यहां के ग्रामीण इतने समृद्ध थे कि वे अपने बलबूते कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर पाते। नतीजतन यहां के ग्रामीण एक फसली खेती को बाध्य थे। गांव में वैकल्पिक रोजगारों के अवसरों का अभाव इन्हें पलायन करने को विवश कर देता था। यूं तो सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जाती रही हैं, लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य रहा कि उन योजनाओं से ये वर्षों तक वंचित रहे। ऐसे में प्रदान नामक एक गैर सरकारी संगठन का इस गांव में पदार्पण ग्रामवासियों के लिए वरदान साबित हुआ। प्रदान के सर्वेक्षण में महिला सशक्तिकरण और कृषि विशेष पर जोर देने की जरूरत महसूस की गई। इसी के मद्देनजर खेतों की मेड़बंदी की गई। 10 डोभा, 1 कुआं और 1 डैम का निर्माण किया गया, जिससे जल संरक्षण का कार्य आसान हो पाया। साथ ही सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप की उपलब्धता सुनिश्चित करके किसानों को सालों भर निर्बाध सिंचाई सुविधा प्रदान की गई। अभी हम लोग जो हैं सोलर सिंचाई, हम लोग का गांव में जो है ये जो मैदानी ज़मीन था और मैदानी ज़मीन 6-7 एकड़ में हम लोग का फैला हुआ है। इसमें हम लोग पहले कुछ खेतीबाड़ी हम लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पानी का हम लोग का सुविधा नहीं था। और फिर जो है 2021 में प्रधान के सहयोग से हम लोग का ये सोलर और मोटर जो है सिंचाई का व्यवस्था किया गया, और इससे जो है हम लोग को फिर खेतीबाड़ी हम लोग स्टार्ट किए, जो खेतीबाड़ी हम लोग शुरुआत किए। और शुरुआत करने के बाद फिर भी उसमें हम लोग का टाँड जो ज़मीन है मैदान ज़मीन में हम लोग का पानी नहीं ढलता था, तो उसमें फिर मेड़बंदी कराया गया प्रधान के सहयोग से। और इसके बाद हम लोग का जो है हम लोग इस तरह का खेती प्रारंभ किए, शुरुआत किए। बाद में जो है फिर भी हम लोग का ये कुआँ जो है सोलर का कुआँ, इस कुआँ में पानी सूख जाता था और बगल में डैम जो है इस डैम में भी पानी सूख जाता था। तो मनरेगा के तरफ से TCB बनाया गया
और मनरेगा और प्रधान के सहयोग से यहाँ पर डोभा 30-40 साइज का डोभा का निर्माण कराया गया, जिससे जो है हमारा जो ढालू जमीन है उस ढालू जमीन के तरफ ही वो डोभा का निर्माण किया गया है और उसी से जो है पानी रोक रोक के जो है फिर हमारे ये कुआं तक पहुंच रहा है और डैम तक पहुंच रहा है। आज यहाँ के किसान अपने खेतों में अनवरत खेती करके न सिर्फ अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं बल्कि गांव को भी समृद्धि की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में यह गांव एक आदर्श मिसाल पेश करे, इसे ध्यान में रखते हुए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पानी की बर्बादी पर रोक लगे। कई खेतों में टपक सिंचाई तथा रेन पाइप वाटर सिंचाई की सुविधा पहुंचाई गई है। इस नवाचारी तकनीक का इस्तेमाल करके यहां के किसान अच्छी पैदावार तो प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ ही जल संरक्षण की अवधारणा को भी संपोषित कर रहे हैं। हमारे जैसा डबल है बारह को मज कुर्चे मजगे बोले बारह खुना कुर्चे मजदम चला तरा बोले हटिया इदीकते कमी घर को हाथ चाबाद और कजी दो बारोशो कजी होना होना। पहले तो हम लोग वो डिलीवरी वाला पाइप से पटवन करते थे तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता था और फसल जो लगा हुआ रहता वो भी ख़राब हो जाता था, फंगस अटैक हो जाता था। और इसमें जो रेन पाइप से अभी हम लोग शुरू किए हैं जब से, तो मतलब पौधा में कितना पानी चाहिए उतना ही और जड़ में मिलता है और जब जुताई के समय भी लगाते हैं ना तो आज लगाते हैं तो कल जुताई हो जाता है। और पहले डिलीवरी पाइप से लगाते थे तो उसमें मतलब दो दिन रुकना पड़ता था तब जुताई कर पाते थे। और सबसे अच्छा ये है कि दीदी लोग के लिए एक बार लगा दिए और आराम से मतलब बैठे रहते हैं, दौड़ना इधर उधर नहीं पड़ता है। गांव के किसान खेती में नवाचार को अपना रहे हैं। कॉली हाउस में अलग अलग प्रकार की साग सब्जियां एवं नकदी फसल उगाए जा रहे हैं। पानी की महत्ता को समझते हुए इन्होंने टपक सिंचाई भी लगाई है, इससे पानी की बर्बादी तो रुकी ही है साथ में उपज में भी काफी फायदा हुआ। कृषि में हो रहे नवोन्मेषी प्रयास एवं नवाचार की महत्ता को समझते हुए इस गांव के किसान भी इसे अपना कर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कुछ प्रगतिशील किसान पॉली हाउस स्थापित करके उसमें मिर्च, टमाटर, बैंगन, नींबू, संतरा, गेंदा फूल आदि की नर्सरी द्वारा ग्रामीणों को ही नहीं वरन आसपास के गाँव को भी उन्नत किस्म के पौध उपलब्ध करा के अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। पॉली हाउस में मौसम की परवाह किए बिना ये सालों भर कोकोपीट की सहायता से विविध पौधों की नर्सरी उपलब्ध कराकर किसानों को निर्बाध खेती करने को प्रेरित भी कर रहे हैं। पहले हम लोग पारंपरिक मिट्टी में नर्सरी करते थे तो उसमें उतना अच्छा से जर्मिनेशन नहीं हो रहा था और इसके बाद प्रधान के द्वारा से नेट हाउस मिला था उसमें भी अच्छा हो रहा था, लेकिन जब बारिश के टाइम हम लोग नर्सरी इसमें नहीं कर पाते थे, गल बताता था तो वो 4 साल पहले का बता रहे हैं और 1.5 साल के बाद 1.5 साल पहले पॉली हाउस मिला है। इसमें हम लोग ट्रे में हर मौसम में नर्सरी कर पाते हैं और इसमें नर्सरी करते हैं तो कोकोपीट और मारंग खाद सुपर कंपोस्ट में मिला के नर्सरी करते हैं।
वहीं गांव के कुछ उद्यमशील किसान मल्टी लेयर फार्मिंग यानी मचान खेती को बढ़ावा देकर एक साथ 3-4 फसल उगा रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी में काफी वृद्धि हुई है। हम लोग पहले नहीं कुछ करते थे, खेती बाड़ी उतना जानकारी नहीं था, तो ये दादा लोग से हम लोग को जानकारी मिला है, ये प्रधान संस्था और ये क्या बोलते हैं, प्रधान संस्था ही में ये ऑफिस है इंदरबनी, तो वहाँ से ही हम लोग को सामान मिलता है। और ये एक ज़मीन में ही कम से कम ये 6 कट्ठा ज़मीन में ही हम लोग को बहुत सारा सब्जी मिलता है खाने का भी, और मार्केट में भी बेचते हैं, तो बहुत सारा फायदा मिलता है हम लोग को। जैसे ज़मीन के अंदर में हम लोग को हल्दी रुपाई किए हैं, हल्दी रुपाई के बाद फिर इसके बीच बीच में साग लगाते हैं, फिर साइड में बरबट्टी लगाते हैं, ये के लिए क्या बोलते हैं, ये मचान से नीचे तरफ में हम लोग को ये फल मिलता है ये बरबट्टी का, और फिर ऊपर में मिलता है कद्दू लगाते हैं, वो लत वाला फसल है, उसमें भी हम लोग को इनकम होता है। सुंदरा फलन गांव के किसान आज काफी जागरूक हो चुके हैं, खेती की बारीकियों को यह बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं के दुष्प्रभाव से मुक्ति की चाह में ये अब जैविक कृषि को अपना रहे हैं। प्रदान के सहयोग एवं मार्गदर्शन में इस गांव में ग्रामीणों द्वारा ही जैविक खाद, कीटनाशी तथा अन्य पोषक उत्पाद तैयार करने का केंद्र बनाया गया, जहां व्यावसायिक रूप से विभिन्न जैविक उत्पादों को बनाया जाता है तथा प्राण शक्ति मरांग ब्रांड से पूरे संथाल क्षेत्र में इसका विपणन भी किया जा रहा है, जिससे यहाँ किसानों को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण पोषक जैविक खाद तथा कीटनाशी उपलब्ध हो पा रहा है, वहीं संचालकों की आर्थिकी भी सशक्त हो रही है। पहले हम लोग 10 साल पहले रासायनिक से खेती करते थे, तो उसमें नुकसान भी होता था, खेती भी होता था लेकिन कम ही होता था, उसमें मिट्टी का भी नुकसान होता था, देखेंगे तो मनुष्य का भी, और मिट्टी में इतना कड़ा हो रहा था मिट्टी रासायनिक से खेती करने से, मतलब नमी भी नहीं रहता था, धीरे धीरे पूरा एकदम कड़ा होते जा रहा था। इसके बाद से हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग गोबर से खेती करें, गोबर से खेती शुरू किए तो उसमें भी थोड़ा उससे अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी घास हो रहा था पूरा, घास होने के वजह से हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। प्रधान के द्वारा ही हम लोग वर्मी बेड रेडी हुआ और वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। पहले हम लोग शिवास खाद बना रहे थे, वो भी एक ग्रुप में 10 जन थे हम लोग, तो पूरा ग्रुप दीदी को लेके बना रहे थे, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगता था और खेत में भी ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता था, तो इसीलिए हम लोग यही अपनाए कि सुपर कंपोस्ट वाला वर्मी खाद तैयार करके सुपर कंपोस्ट तैयार करते हैं। बहुत फायदा मिला है हमको और इसी से ही मेरा घर परिवार चलता है, और ज़मीन भी लिए हैं जहाँ हम लोग यहाँ पे कॉलेज हाउस बैठा है बियासी, उसमें ज़मीन लिए हैं।
गांव में बायो रिसोर्स सेंटर की स्थापना से यहां की खेती में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। जो जमीन बंजर होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, जैविक खाद के उपयोग से इसकी उर्वरा शक्ति वापस आ चुकी है। इससे किसानों को ना सिर्फ बेहतर उपज प्राप्त हो रही है बल्कि इनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। पुनर्जीवी खेती करने के लिए यहाँ पे बनवाया गया BRC बायो रिसोर्स सेंटर, जहाँ पे ये लोग जैविक खाद बनाते हैं, जिसका ये लोग नाम दिए है प्राण शक्ति माड़ांग सुपर कंपोस्ट। यही जैविक खाद के द्वारा ये लोग सालों भर खेती कर रहे हैं। और अभी के लिए रासायनिक का जो यूज़ है, पहले तो रासायनिक के अलावा ये लोग खेती करते ही नहीं थे। पिछले 10 साल से जो रासायनिक का यूज़ करके ये लोग जमीन का उर्वरा शक्ति में इफ़ेक्ट डाले हैं, उसको अभी बहुत हद तक हम लोग पुनर्जीवित करने का प्रयास में है। तो जैविक में यहाँ पे बहुत तरीके का मॉडल हम लोग करा रहे हैं, जैसे मल्टी लेयर खेती मॉडल हो गया, खेती मॉडल विद ड्रिप इरिगेशन हो गया, इंटरक्रॉप मॉडल हो गया, मिक्स क्रॉपिंग हो गया। तो यही सब मॉडल के तहत यहाँ पे जैविक खेती का हम लोग एक तरीके से मॉडल बनवा पा रहे हैं। सिंचाई के अभाव में गांव का बड़ा भूभाग, खासकर ऊपरी क्षेत्र, या तो बंजर हो चुका था या उन पर झार झुरमुट का साम्राज्य स्थापित हो गया था। सरकार की महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन द्वारा उन भूभागों का कायाकल्प किया जा चुका है। ऐसे 25 एकड़ भूमि पर मनरेगा योजना के सौजन्य से बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ उठाकर आम, अमरूद आदि फलदार पौधों का बाग लगाया गया, जिससे इन्हें सालाना आय का एक टिकाऊ जरिया मिल गया है। किसानों की भावी योजना यहां इंटरक्रॉपिंग खेती करके साग सब्जी उगाने की भी है, जिससे इन्हें सालों भर वैकल्पिक आय की सुविधा मिल पाए। इस दिशा में बाग में TCB का निर्माण किया गया, जिससे बागों में नमी बरकरार रखने में सहूलियत हुई है। सरकार यदि इनके बागों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दे तो यहाँ के ग्रामीणों के सशक्तिकरण को निश्चित रूप से गति मिलेगी, साथ ही साल के हर माह नियमित आय की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस डंगाल में पूरा खाली था, मतलब बंजर था। यहाँ पर प्रधान द्वारा हम बागों ने लगवाए 22 हेक्टर में, तो अब इस डंगाल का परिवर्तन हुआ, घास भी नहीं था और इस भगवान से बहुत अच्छा आमदनी हो रहा है। अभी पिछले साल मेरा आमदनी 80,000 हुआ था और आम के बाद भी बरबट्टी भिंडी बीच बीच में लगा के हम लोग पैसा रहे हैं। अब पानी रुकाव के लिए TC सब खुदाई किए हैं। आम भगवान में बीच बीच में अमरूद और नींबू भी लगाए हैं। यहाँ पे हम लोग पिछले 7 से 8 साल से इंटेंशनली इंगेज हूँ, बट इससे पहले हमारे टीम के द्वारा इस गांव में 2007-08 में गांव में बैठक करके प्लानिंग किया गया था कि हम लोग इस गांव को कैसे सामूहिक तौर पे विकास कर सकते हैं। जिस विकास में सभी गांवों को पूरा भ्रमण किया गया था, हाउस होल्ड का सर्वे किया गया था, उनके इनकम का एनालिसिस किया गया था, उसके बाद गाँव में जो बंजर भूमि था उसका भी चयन किया गया था कि जमीन के प्रकार कैसे, भौगोलिक स्थिति क्या था, उसको देखते हुए हमारे यहाँ पे सबसे सुटेबल ज़मीन जो ज़्यादातर ज़मीन बंजर, तो उसमें से लोगों के सहमति के साथ 22 एकड़ में आम बागवानी लगाया गया, जो कि यहाँ की मिट्टी को कटाव के रोकने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर से मनरेगा के साथ मिल करके यहाँ पर TCB और 30-40 मॉडल भी किए, जो कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को मजबूत किया। दो हज़ार 7-8 में यहाँ पे प्रधान के द्वारा आम बागवानी कराई गई थी। इस गांव में टोटल 23 एकड़ में आम बागवानी की गई है, साथ में यहाँ पे कई TCB भी बनाए गए हैं। TCB यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में काफ़ी मदद करता है, साथ में ज़मीन को और उपजाऊ बनाने में भी मददगार रहता है। इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और साथ में आम बागवानी से इनकी आमदनी में भी वृद्धि हुई है।
सिंचाई के अलावा इस गांव में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी सरकार द्वारा पहल की गई। प्रधानमंत्री हर घर नल जल योजना अब तक इस गांव की धरातल पर नहीं उतर पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री जन नल योजना का लाभ यहां के ग्रामीणों को मिलना शुरू हो चुका है, जिससे इन्हें काफी राहत मिली है। आवास मूलभूत आवश्यकता है। इस गांव में कई ग्रामीण सामर्थ्य की कमी से जर्जर घरों में रहने को विवश थे। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अबुआ आवास योजना द्वारा इन आकांक्षी परिवारों को आवास की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आवास के लिए फॉर्म भरे थे 5 आदमी का और एडमस लिया है 30,000, इतना तक बनाए हैं घर। कच्चा मकान है, दिक्कत हो रहा है बरसात के दिन में। गांव के इस विकास यात्रा में यहां की ग्रामीण महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि रही है। महिला समूह का गठन होने के बाद से ही इस गांव में समृद्धि एवं सशक्तिकरण को गति मिली है। समूह से न सिर्फ महिलाओं के वित्तीय उन्नयन की राह खुली है, बल्कि ये सामाजिक और मानसिक रूप से भी सशक्त हुई है। समूह की नियमित बैठक करके ये अपनी आर्थिकी को समुन्नत करने के साथ साथ ग्राम विकास से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करके समाधान ढूंढने में भी सफल रही है। सामुदायिक कार्य से लेकर सामाजिक कुरीतियों को गांव से मिटाने की दिशा में इनका कार्य काफी सराहनीय रहा है। सराय लहारे गोटा कुल्ही जितो होते गोटा ले सफाई जो सफाई ले जरे सफाई ले और ना सोलर बैसो का ना नली को है तो पाक दा गोटा कुल्ही रे मिलो कते नाला को गड्ढा को सनाम ले सफा के दा पूरे साल के दाले। पहले नहीं जोड़े थे हम लोग को, कुछ फायदा नहीं मिलता था और हम लोग को उतना जानकारी भी नहीं था कि क्या क्या लाभ मिलता है ग्रुप से। तो हम लोग को ग्रुप ने जोड़े और हम लोग को बहुत तरह का मदद मिलता है। और जैसे बैंक में भी हम लोग पैसा जमा करते हैं और जमा करके फिर हम लोग को लोन भी मिलता है। हम लोग गाँव में भी इसे ग्रुप का दीदी सब कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, कभी घर गाँव में ऐसे झगड़ा भी होता है तो हम लोग समाधान के लिए हम लोग महिला ग्रुप से ही सलाह भी हो जाता है। हमारा ये जो मॉडल गांव है सुंदर फलन, इस गांव में 2019-20 में हम लोग काम शुरू किए थे। मॉडल गांव के हिसाब से हम लोग का प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग मोटा मोटी 5 मुद्दे पे यहां पे काम करने के लिए आगे बढ़े। उसमें से पहला था महिला सशक्तिकरण, जिसमें हम लोग दीदी लोग को पीजी के साथ जोड़े। पीजी के साथ जोड़ के उन लोग को खेतीबाड़ी में नई तकनीकी सुविधा और खेतीबाड़ी में के लिए एकत्रित करवाए और उन लोग को पीजी को एफपीओ जो है हमारा उन्नति नाड़ी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड उसी के साथ जोड़ के उनका आउटपुट एंड इनपुट बिजनेस का एश्योरेंस करवाए। अल्ट्रा पुअर का ऊपर अलग से हम लोग यहाँ पे ध्यान दिए हैं ताकि कुछ भी ग्रुप में जोड़ ले दीदी लोग, अल्ट्रा पुअर जो अति गरीब परिवार है वो छूट ही जाते हैं, जिसके कारण उन लोग का रेशन पेंशन स्कीम्स में जोड़ना और उसके साथ साथ उन लोग को आमदनी और आजीविका से जोड़ने के लिए हम लोग BYP शेड बनवाना, ओल का खेती करवाना, इस तरीके का इंटरवेंशन के थ्रू गए हैं। तो ओवरऑल ये 5 डायमेंशन में काम करते हुए हम लोग एक मॉडल गांव का स्थापना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस गांव की सफलता की कहानी ये दर्शाता है कि किसी भी गांव को सामूहिक प्रयास, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के समर्थन और सहयोग से समृद्धि की राह पर अग्रसर किया जा सकता है। बहुत कुछ इस गांव में किया गया है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि यदि सभी हितधारक इसी तरह मिलकर काम करते रहे, सरकार की अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी इसी तरह इस गांव के धरातल पर उतारा गया, तो सुंदरा फलन गांव को विकसित गांव की श्रेणी में शुमार होने से कोई नहीं रोक पाएगा।
तो आपने देखा सुंदरा फलन गांव की कहानी, जहां प्रधान और सरकारी योजनाओं की मदद से कृषि में कई नए प्रयास किए गए हैं। जैविक खेती यहां लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। साथ ही पॉली हाउस और टपक सिंचाई जैसे नए प्रयासों से एक प्रगति की नई लहर आई है। इन्हीं प्रयासों के कारण सुंदरा फलान गांव को मॉडल गांव का भी दर्जा दिया गया है। उम्मीद है आपको इस गांव से काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।